WTC फाइनल में अश्विन को खेलने पर भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, लंदन के ओवल में खेले जा रहे WTC फाइनल में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा फैसला लेते हुए टीम के प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा के रूप में सिर्फ एक स्पिनर का चुनाव किया। उन्होंने टीम के चार तेज गेंदबाजों को प्रेफरेंस दी। वहीं रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट पर काफी सवाल उठ रहे हैं, अश्विन को क्यों प्लेइंग 11 से दूर रखा गया है। अगर देखा जाए तो टेस्ट रैंकिंग में अश्विन नंबर 1 बॉलर हैं। ये सब देखते हुए भी अश्विन को प्लेइंग 11 से दूर रखा गया। वहीं WTC में कमेंट्री करते वक्त दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाज इसमें ड्रेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, ड्रेविस हेड और एलेक्स कैरी शामिल हैं। इसके बाद भी भारतीय टीम में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, ऐसा क्यों? ये फैसला सभी की समझ से बाहर है। वहीं साथ में कमेंट्री करते वक्त हरभजन सिंह ने भी गावस्कर का समर्थन किया है। साथ ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंडिंग ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि अश्विन को प्लेइंग 11 ना खेलने पर भारत की बड़ी गलती है। आपको बता दें, इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव के रूप में 4 पेसर शामिल किए हैं। वहीं अश्विन को WTC फाइनल से ड्रॉप कर दिया गया है। रोहित शर्मा ने कंडीशन को देखते हुए टीम में 4 गेंदबाजों को शामिल किया, जिसके चलते कल के WTC फाइनल में खासे कारीगर साबित नहीं हुए। रिकी पोंडिंग ने ICC से बात करते हुए कहा कि अश्विन को प्लेइंग 11 में ना शामिल करना भारत की ओर से गलती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अपने लाइनअप में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। वहीं एक गलत डिसीजन भारत के लिए भारी पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खेल जगत से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें स्पोर्ट्स लाइव के साथ।